नीमच जिले का स्वास्थ्य अमला अपनी लापरवाही और अपने उदासीन रवैये को लेकर विभाग के कई कार्यक्रमों में पिछड़ा ही नजर आता है। इसका एक और उदाहरण इस वर्ष के परिवार नियोजन के कार्यक्रम को देकर देखने को मिलता है, जिसमें लक्ष्य की पूर्ति छोड़े विभाग यहाँ आधे लक्ष्य तक भी नहीं पहुँच पाया है और पिछले 5 साल की सबसे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति इसी साल देखने को मिल रही है। बावजूद इसके विभागीय अधिकारी अब भी अपना सुस्त रवैये पर ही उतारू होकर अपना पल्ला इस मामले से झाड़ने में लगे हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो स्वास्थ्य विभाग है, हमारे यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है, वो पिछले 5 सालों से अपने लक्ष्य की पूर्ति आज तक नहीं कर पाया। हमेशा इनका जो लक्ष्य रहता 40%, 50, 45% और अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी अपने 50% लक्ष्य को ही पार नहीं कर पाया। अभी भी सरकार ने 5500-6000 के करीब लक्ष्य दिया था इनको इस साल का पूरा करने के लिए, तो उसमें से अभी 2200-2300 इन्होंने पूर्ण किए, जबकि इनके पास बहुत सारे माध्यम है इसको पूरा करने के लिए। ऊषा आशा कार्यकर्ता, उनके द्वारा प्रचार प्रसार कराना चाहिए। इनके पास आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं जो गली गली, और इनसे हर व्यक्ति जुड़ा, छोटा छोटा बड़ा से बड़ा व्यक्ति ऊषा आशा कार्यकर्ता से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। लेकिन इनके माध्यम से प्रचार कराने की बजाय खाली कागजी रूप में प्रचार कर लेते हैं। सरकार का लाखों रुपये आता है, उसके बारे में कुछ जवाबदारी नहीं रहती इनकी, खाली कागजों रूप में वहाँ ऑफिसों में पूरा कर दिया जाता है प्रचार प्रसार, जिससे लोगों को सही जानकारी। देखिए, मेरा ये कहना है कि परिवहन नियोजन की जो सरकार योजना लाई है, इसके अंतर्गत आम लोगों को जो सूचना मिलनी चाहिए वो कभी हो नहीं पाती पूर्ति उनके, क्योंकि उनको जानकारी मिल नहीं पाती। और सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है पुरुषों को और महिलाओं को, जो प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाती है, उनकी भी जानकारी लोगों को नहीं है और ना ही उनको राशि प्राप्त हो पाती है, और कागजी रूप में ऊपर ऊपर उसको पूरा कर देते हैं। ये जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कटिबद्ध है और दोनों सरकार चाहती है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही हमारे देश में, राज्य में गरीबी बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। उसको देखते हुए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए नसबंदी कार्यक्रम लागू किया गया है, लेकिन यह यहाँ के चिकित्सा अधिकारी जो है इसमें पूर्ण रूप से लापरवाही बरत, सरकार द्वारा 550 के लगभग का लक्ष्य उनको नसबंदी का दिया गया था, लेकिन केवल मात्र 2400 ही का लक्ष्य पूरा कर पाए। और ये लक्ष्य पूरा नहीं करने का मुख्य कारण ये है कि जिला चिकित्सालय में कार्यरत जो चिकित्सक हैं वो पूर्ण रूप से लापरवाह हैं, और शासन की योजना को जो है ये गांव-गांव तक उनको पहुँचाना चाहिए, इस शासन की योजना को जो है मतलब मूर्त रूप नहीं दे पा रहे हैं। लक्ष्य तो वार्षिक इसमें 5500 रखा गया था, मतलब नसबंदी का, इसमें दोनों पुरुष और महिला नसबंदी का, और उसके विरुद्ध मतलब 2392 के लगभग हुए मतलब, तो और उसमें पुरुष को 300 रुपये का वो 3000 का प्रोत्साहन दिया जाता है और महिला को 2000 का दिया जाता है। भाई ये तो स्वैच्छिक है, मतलब इसलिए लोगों का रुझान उतना नहीं है, मतलब कम, मतलब है ना स्वैच्छिक होने से, मतलब प्रचार प्रसार तो किया जा रहा पर अब लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं पर अब ज़्यादा रुचि नहीं रख रहे हैं। मतलब हाँ, तो हम लोग कोशिश तो करते हैं, मतलब कैंप भी रखते हैं और कर्मचारियों को नोटिस भी देते हैं, उसके बावजूद भी मतलब नहीं हो पा रहा।